अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो होंगे, और चुनाव आयोग ने इसके लिए समीक्षा बैठक भी करी थी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव कब कराए जाए। तो समीक्षा बैठक के बाद ये निकल कर आया कि चुनाव आयोग जो है जनवरी के पहले हफ्ते या जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव, दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है और नतीजे कब आएंगे वो भी बता सकता है, जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में। पर दोस्तों मैं आज आपके लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले एक ओपिनियन पोल लेकर आया हूँ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दी ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने 70 में से 67 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती थी। पर दोस्तों इस बार जो दोनों पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ताकत लगा रही है कि अब की बार हमारी सरकार बन जाए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जनता के सामने। पर बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही आगे हैं इन दोनों पार्टियों से। पर दोस्तों ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आया मैं आपको बताता हूँ। ओपिनियन पोल में ये निकल कर आ रहा है कि 70 में से आम आदमी पार्टी 65 सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल जी फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और फिर से एक बार सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। तो चलिए दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में, और आपकी क्या राय है, आप कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हो, किसकी सरकार बन सकती है आपकी, आपके मानने से। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दी ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अस्सलामुअलैकुम।